दिन सुनती रहती है, तो राजीव के इमोशंस, राजीव के मूड्स, राजीव के परसेप्शन टुवर्ड्स द लाइफ चेंजेस आते हैं क्या? नहीं, परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ क्या चेंज आएगा? मैं जब टेलीविजन कर रहा होता हूँ तो मेरे लिए एक प्रोजेक्ट होता है, जब मैं फिल्म कर रहा होता हूँ तब भी मेरे लिए प्रोजेक्ट होता है। आई थिंक आई टेक एवरीथिंग एज अ प्रोजेक्ट। मेरे लिए फिल्म और टेलीविजन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, डिफरेंस मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि आपका काम, जो मैं टेलीविजन में एक्टिंग करता हूँ वैसी ही एक्टिंग मैं फिल्मों में भी करता हूँ। इट्स नॉट दैट कि आप फिल्म को फिल्म समझ के करते हैं और टेलीविजन को टेलीविजन समझ के करते हैं। सो परस्पेक्टिव चेंज नहीं होता, बट हाँ वर्किंग एनवायरनमेंट ज़रूर चेंज हो जाता है। जिस तरह से हम टेलीविजन में काम करते हैं उस तरह से फिल्मों में काम नहीं करते, दोनों बहुत चैलेंजिंग है। टेलीविजन पे ज़्यादा चैलेंजिंग है मैं कहूँगा, बिकॉज यहाँ पर आप कंटिन्यूसली आप लोगों के सामने आते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, आप स्क्रिप्ट्स को आप इम्प्रोवाइज़ करते हैं, स्क्रिप्ट्स टाइम पे नहीं आती हैं, कभी कभी टाइम पे आ जाती हैं, तो आप मेरे ख्याल से मेहनत ज़्यादा है टेलीविजन में एज कम्पेयर टू फिल्म्स। ये फिक्शन ही है, अब तो बंद हो रहे हैं भाई साहब धीरे धीरे करके सास बहू। अब तक मैं पहले से मालूम है आपको, जब जान बुझ के मुझसे सवाल पूछते ना, अभी सास बहू को माफ नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मैं अगर मैं टेलीविजन पे करूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं टेलीविजन करता रहूँ, मैं लिमिटेड सीजन्स करूँ, मैं कुछ डिफरेंट करूँ, कुछ नया करूँ। जो रूटीन है जो मैं कर चुका हूँ उसे मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, अपने लिए, ऑडियंस के लिए भी, लेकिन ज़्यादातर अपने लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूँ कुछ और। मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ है मेरे लिए सीखने के लिए, तो अगर मैं कोई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा तो मैं सीखूँगा कहीं।